प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीएम योगी के हाथों गोरखपुर को मिलेगी एक और सौगात। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र भवन का रविवार को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। गीता प्रेस जाकर राष्ट्रपति के आगमन से जुड़ी तैयारियों का भी लेंगे जायजा। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 25 अल्ट्रासाउंड व प्राइवेट हॉस्पिटलों पर मारा छापा। उप जिला सूचना व स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा, छापे में बहुत से हॉस्पिटलों में पाई गई है अनियमितता। रिपोर्ट जिलाधिकारी को किया जा रहा है प्रेषित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटलों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिफ्ट करेंगे टेराकोटा के श्रीराम और कबीर। ओडीओपी में शामिल टेराकोटा की ओर मजबूत होगी ब्रांडिंग। सीएम योगी की पहल पर तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति। 4 जून को गीता प्रेस और 5 जून को मगहर में है महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम। प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ किया बैठक। सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। टप्पेबाजी व धोखाधड़ी करने वाले 6 अभियुक्तों को कैंपियरगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। लूट का 5,77,200 रुपए, 241 नकली सोने का सिक्का। घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। विद्युत विभाग के कलेक्शन एजेंसी के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। शत प्रतिशत बिलिंग करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिले के डायल 112 के कंट्रोल रूम व आईटीएमएस कंट्रोल रूम का प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ट्रैफिक विभाग को दिए निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट के कार्यों की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कोतवाली थाने पर सीओ विमल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले मकान के बंटवारे पैसों के लेन देन से आए संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कैंट पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। पशुओं के लिए बन रहे गौशाला कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने लोगों से धूम्रपान नहीं करने की अपील। कहा, तंबाकू के सेवन से मुंह के कैंसर जैसी बीमारियों के होने का रहता है खतरा।